दोस्तों चलिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कैसा है और किस तरीके से इसका फीचर्स और कैसे भविष्य में ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा बदलाव क्रिएट करने वाला है। विंडोज का पहला वर्जन है जो आप देख रहे हैं। मैं तो आपको विंडोज 11 के बारे में बताने वाला था, ये कैसे हो गया मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि विंडोज 1985 में जो पहले बार रन हुआ था तो कैसे दिखता है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप देखिए, कई लोगों ने नहीं दिखा होगा कि विंडोज ऑपरेटिंग का पहला वाला जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कैसे था, इसलिए मैं आपको ये वीडियो को दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों चालू होता है पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ दोस्तों, ये पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मुझे दिखा के आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टोरी इसके आगे है। मैं अभी आपको 2021 का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 के बारे में बताने वाला हूँ, तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे माइक्रोसॉफ्ट कहता है, इन्होंने बहुत ही हल्का बनाया है। इसका जो अपडेट्स है वो काफ़ी हल्का है, इसका मतलब साइज वो बहुत हल्का है, और इसके कारण से वो एफिशिएंट भी उतना ही है और बहुत तेज काम करने वाला है। यस दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अब जो इन्होंने बनाया है वो बहुत ही स्लिम है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही अजाइल है, बहुत ही एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है। इन्होंने टाइल्स की तरह दिया, कांच की तरह इन्होंने इसके डिज़ाइन को बनाया हुआ है कि आप पीछे आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करेंगे उसके ऊपर ये स्लाइड कर रहा है। स्लाइड करने के बावजूद भी आप देख पाएंगे कि पीछे क्या काम चल रहा है, पीछे क्या काम नहीं चल रहा है। इसमें नाइट मोड है, इसमें डार्क मोड है, इसमें लाइट मोड है, मतलब आपके हिसाब से इन्होंने इसको बहुत लाइट और एडॉप्टेबल बनाया है कि आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लुक एंड फील में, इसके तरीके में। लगभग पूरे वर्ल्ड में 1.3 बिलियन लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं। हम उससे प्रेरणा लेते हैं, हम उससे क्रिएट करते हैं, हम उसमें प्रोडक्टिविटी का कुछ ना कुछ हम क्रिएटिव और प्रोडक्टिविटी का काम कर ही रहे हैं। इसीलिए विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम सबके दिलो दिल जान में बसता है और हम उस पर अपना प्यार बहुत ज़्यादा लुटाते हैं, क्योंकि दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, चाहे ऑफिस में हो, घर पर हो, हम हर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम कर रहे हैं। इसका जो स्टार्ट बटन दबाते साथ ही इन्होंने डिज़ाइन को इतना क्लीन रखा हुआ है कि सारे ऐप बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपके सामने दिखाई देते हैं। आपको कुछ भी सर्च करना है आप बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं, और वो सारे ऐप जो आप काम कर रहे थे वो क्लाउड से इसमें इंटरेक्ट होते हैं और आपके सामने वही सारे ऐप दिखाई देंगे जिस पर आप काम कर रहे थे। क्लाउड से इंटरेक्ट होने के कारण क्या है कि मल्टीपल डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंटरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप लैपटॉप पे भी काम कर सकते हो, आप अगर क्लाउड से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप मोबाइल फ़ोन में भी आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। कहने का मेरा मतलब है कि जिस फाइल को पर्टिकुलर आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन पर काम कर रहे हैं और उसी फाइल को अगर आप लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसको सेम टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। विंडोज़ का एक सबसे बड़ा फीचर है जिसको हम विंडोज़ कहते हैं, उसका कारण ये कि हम मल्टीपल विंडोज़ पे काम कर पाते हैं। हाँ दोस्तों, मल्टीपल अभी तक के हम पुराने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम जब काम कर रहे थे हम मल्टीपल विंडोज़ पे काम कर लेते थे, लेकिन अब इसमें मल्टीपल विंडोज़ में तो हम काम कर पाएंगे, लेकिन इसमें एक और एक ज़बरदस्त फीचर उन्होंने ऐड किया, वो है स्नैपिंग का। हाँ दोस्तों, आपके पास 2-3 विंडो है, आप पता चला, आप सोचिए कि आप एक में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम कर रहे हैं, आप एक में एक आपने फाइल एक्सप्लोरर खोला हुआ है, तो ये तीनों एक तरीके से अगर आप उसमें स्नैपिंग अगर आप करें तो ये विंडोज अपने आप ही स्नैप करके स्पेस बनाएगा। पहले क्या होता था, एक के ऊपर एक हो जाता था, है ना, या एक विंडो खुलेगा तो दूसरा बंद, दूसरा विंडो खुलेगा तो तीसरा बंद, इसलिए हम इसको विंडो कहते थे, लेकिन अभी मल्टीपल विंडोज हम खोल सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्नैपिंग। इन्होंने स्नैपिंग के अलग अलग लेआउट्स दिए हैं जो कि आप देख रहे होंगे, और उस लेआउट्स के हिसाब से आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके का आपको लेआउट प्रेफरेंस चाहिए, आप उस लेआउट को आप सेट कर सकते हैं, और एट अ टाइम इस लेआउट पे, इस विंडो पे क्या काम हो रहा है, उस विंडो पे क्या काम हो रहा है, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3 पे क्या क्या काम हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं और रन टाइम पे आप समझ सकते हैं कि आपका काम कैसा चल रहा है। मल्टीपल विंडोज एक साथ ओपन करना
रिमेम्बरेंस के साथ कि भाई कहाँ पे थे हम, क्या काम कर रहे थे। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट 11 ही आपको प्रोवाइड कर रहा है, पुराने किसी भी विंडोज में ये चीज नहीं है। आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे या उनका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है माइक्रोसॉफ्ट एज कर रखा है, कोई न्यूज सुन रहे हैं, कहीं म्यूजिक सुन रहे हैं, कहीं वीडियो देख रहे हैं, कभी आपने किसी पर्टिकुलर चीज पे आप सर्च कर रहे हैं, अगर आप कोडिंग पे काम कर रहे हैं तो आपके तो विंडोज खुले रहते हैं। तो पहले क्या होता था, अगर आपने उसको बंद कर दिया तो वो रिमेम्बर नहीं कर पाता था। तो अभी क्या, इन्होंने एक बटन इंट्रोड्यूस कर दिया आपके लेफ्ट साइड के टॉप में, आप जैसे उसको क्लिक करोगे तो खुला हुआ है, या किस किस विंडोज पे आप काम कर रहे हैं, क्या क्या आप उसमें सर्च कर रहे हैं, आप उसको आसानी से देख सकते हैं उसी रन टाइम पे। और ये फीचर एक्चुअली मेरे जैसे के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपके लिए अच्छा है नहीं, क्योंकि हम इतना मल्टीपल चीज काम करते हैं। तो इस बार का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली सिस्टम 11 जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए, मल्टी प्रोडक्टिविटी के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक और धमाकेदार चीज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 11 आपको प्रोवाइड करता है, डेस्कटॉप। हाँ दोस्तों, आप डेस्कटॉप पे आप काम कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मल्टीपल डेस्कटॉप की सेटिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब एक ही, एक डेस्कटॉप मान लो आपने स्कूल के बच्चों के लिए किया तो उसमें उसी तरीके के ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स, दूसरा चीज़ आप घर के काम के लिए जिसके के अंदर आप बहुत सारे एलेक्सा वगैरह को आप चूज़ करते हो उसमें उसी तरीके के ऐप्स, अगर पता चला कि आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं या प्रोडक्टिविटी लेवल का काम कर रहे हैं तो उस तरीके के ऐप्स, अब पता चला कि आप किसी में मूवीज़ कर रहे हैं तो उसका एक डेस्कटॉप अलग जिसमें कि खाली मूवीज़ हो, और आप गेम खेल रहे हो तो खाली गेम्स का डेस्कटॉप। तो ये इतना मज़ेदार सिस्टम डेस्कटॉप का, इन्होंने मल्टीपल डेस्कटॉप्स का जो इन्होंने ऑप्शन दिया है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में 11 में, वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है आपके रिमेंबरेंस के लिए। अदरवाइज पता है सब हॉशपॉश हो जाता था, क्या गेम खेल रहे थे, क्या मूवी देख रहे थे, बच्चा क्या पढ़ रहा था, आप ऑफिस में क्या कर रहे थे, ये सब हॉशपॉश हो जाया करता था। इससे आप बाहर आ जाओगे इस प्रकार के डेस्कटॉप के मतलब अरेंजमेंट सिस्टम से। तो दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बढ़िया चीज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, वो है चैट। यस दोस्तों, टीम का जो ऐप है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन बिल्ड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 11 के साथ इन बिल्ड होके आ रहा है। एक क्लिक में आप किसी भी डिवाइस में, किसी भी लोकेशन में, किसी भी लोगों के साथ आप चैट पे बात कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, और ये धमाकेदार फीचर है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले क्या होता था, या तो हमें व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना पड़ता था या स्काइप इंस्टॉल करना पड़ता था, ये सारी चीज़ों को हटा के अब जो है उन्होंने टीम्स को डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया है कि आप किसी से भी कहीं पे भी, चाहे ऑफिस का काम करिए, चाहे बच्चों से बात करिए, स्कूल के लिए आप चैट करना है, बात करना है, वीडियो कॉल करना है, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली ये बात आप कर सकते हैं, और आपको बहुत मजा आने वाला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 11 में। एक्चुअली मुझे देख के मुझे यही समझ में आ रहा है। मजे की बात यह भी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि खाली विंडोज के सिस्टम से इंटरेक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। टीम्स के कारण आप चाहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या काम कर रहे हैं, आपका दोस्त iOS ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एप्पल वाले सिस्टम पे काम कर रहा है, या आपका कोई फ्रेंड है जो एंड्रॉयड सिस्टम पे काम कर रहा है, ये तीनों चीज टीम्स में आप बैठे बैठे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम बैठे बैठे ये तीनों चीज इंटरेक्ट एक तरीके से हो सकते हैं। और ये तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि आज की डेट में इसकी इतनी जरूरत है। एंड आफ्टर द पैंडेमिक और सारा ऑफिस, जब आप घर में आ गया, स्कूल का बच्चा घर में, स्कूल के बच्चे लोग घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जबरदस्त फीचर है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 11 का। वो कमेंट में तो आपको बताना ही पड़ेगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसा लगा, और स्पेशली ये जो फैसिलिटी है आपको कैसा लगा, बहुत बहुत बढ़िया है। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को कुछ नहीं, सिर्फ आप 500 सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए। मैं कह रहा हूं आपसे 500 सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए, और इस आपको और अच्छी अच्छी इस तरीके से मैं वीडियोस आपके आगे मैं लेके आने वाला हूँ। अभी आगे चलते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ, और वीडियो को आपको छोड़ के अभी जाना नहीं है, पूरा आपको देखना है, ठीक है। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बढ़िया चीज इंटीग्रेट हो चुकी है, वो है वॉइस टेक्स्टिंग। हाँ दोस्तों, हम बोले और टाइप होता चल जाए, इससे अच्छी सुविधा क्या हो सकती है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इससे अच्छी सुविधा कुछ हो सकती है, आप बोलो, आप लिखते चल जाएंगे भैया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो आप बोल रहे हैं, गाना बोल रहे हैं गाना लिखिए, स्क्रिप्ट बोल रहे हैं स्क्रिप्ट लिखिए, बुक बोल रहे हैं बुक लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, लैंग्वेज के बारे में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब अपडेट्स आएंगे तब हमें, मैं उसके बारे में आपको डेफिनेटली बताऊंगा आगे, लेकिन एट प्रेजेंट एनीथिंग इफ यू वॉन्ट इन इंग्लिश एंड ऑल मतलब लैंग्वेज विच ऑप्शन विच आर अवेलेबल,
तो वो आपको आसान होने वाला, आपसे बोलते जाइए वो टाइप होते चला जाएगा। इसमें एक चीज़ तो और ज़बरदस्त आ गई है, वो ये है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी जगह से मूवी मिल सकती है वो सारे मूवीज़ को इन्होंने अपने ऐप में इंटीग्रेट कर लिया, चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक क्लिक में। और दुनिया जहान की मूवीज़ अगर आप शौक़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा मूवीज़ के अगर आपको शौक़ है, अलग अलग मूवीज़ देखने का आपका मन है, तो आप इसको अपने टीवी से कनेक्ट करिए और दुनिया की वर्ल्ड की जो भी मूवी आपको देखनी है आपको यहाँ पे एक क्लिक में मिल जाएगा, जो कि पहले इम्पॉसिबल थी, हमें सर्च करना पड़ता था, कभी नेटफ्लिक्स कभी ये कभी वो, दुनियादारी की चीज़ें हम सर्च करते थे। लेकिन इस बार आपको माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में ही आपको ये जो एंटरटेनमेंट के सेक्शन में दुनिया की सारी मूवीज़ आपको मिल जाएगी। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 11 में इन्होंने एक और चीज़ आपको गेम के लिए दी है, वो है गेम पास। हाँ दोस्तों, गेम पास एक ऐसा ऐप इन्होंने इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट में इंटीग्रेट कर दिया है कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी डेवलपर, जितने भी तरीके के गेम्स हैं वो आपको इसमें दिख जाने वाले हैं और आप यहीं से आप उसको परचेज कर सकते हैं, फ्री में खेल सकते हैं। जो भी उस गेम का ऑप्शन है वो आप यहीं से ही कर सकते हैं और ये हर एक महीने में वो लोग नया नया लॉन्च करते रहते हैं, तो आपको क्या नया नया गेम आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने लोग भी गेम के शौकीन हैं या मूवीज के शौकीन हैं उनके लिए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ने पूरा एक वर्ल्ड खोल के रख दिया भाई। और बगैर देरी किए आपको मतलब शौक गेम खेलना है, मूवी देखना है, म्यूजिक सुनना है, मतलब उनके लिए तो धमाकेदारी हो गया। काम करने वालों के लिए धमाकेदार है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा है। इसी यही सोचते हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ने पूरा प्लथोरा, मतलब पूरा एक पूरा बंडल खोल दिया है, दुनिया आपके सामने ला के रख दिया है गेम्स का। एक नई चीज़ आप स्क्रीन पे देखो, HDR, ये HDR इनबिल्ट जो HDR है उसके कारण गेम का जो शार्पनेस है, गेम की जो क्लियरिटी है, गेम का जो जो जो, जो आप एसेंस, मतलब देखने का जो एसेंस, जिसको एस्थेटिक एसेंस कहते हैं, डायनेमिक एसेंस कहते हैं, वो इतना अच्छा हो गया। आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि गेम आपको कैसा और किस तरीके से दिखने वाला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 11 में आपको मिलने वाला है। और धमाकेदार, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसमें चाहे मूवीज़ हो, चाहे गेम्स हो, चाहे दुनिया जहान के ऐप्स हो, चाहे एंड्रॉयड ऐप्स हो, सबको इतना बेहतरीन इस बार माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 11 में उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर, क्योंकि आपको कुछ भी वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर, ऐप, गेम, मूवीज़, आपको जो चाहिए आपको एक क्लिक में मिल जाएगा। इन्होंने इसको इतना सीमलेसली और इतना बेटर और इम्प्रूव बना लिया। और एक धमाकेदार चीज़ जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 11 प्रोवाइड करने वाला है, जो कि मैं आपको बताने वाला था, वो ये था दोस्तों कि पहले हम एंड्रॉयड ऐप को माइक्रोसॉफ्ट में इस्तेमाल नहीं कर पाते थे किसी भी तरीके से। हमें थर्ड पार्टी कोई जैसे कि ब्लू स्टैक, जितना मुझे याद है वैसा कोई एक सॉफ्टवेयर था जिसको इंस्टॉल करते थे फिर एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करते थे, नहीं। अब आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में एंड्रॉयड ऐप को रन कर सकते हैं, किसी भी तरीके का एंड्रॉयड ऐप को, चाहे एग्जाम्पल बताऊँ तो कोई भी हो, चाहे कोई म्यूजिक ऐप हो, चाहे कोई टिकटॉक हो, चाहे मतलब एनी ऐप, एंड्रॉयड ऐप आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट पे प्ले कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट आपको अमेज़ॉन ऐप स्टोर के साथ कोलैबोरेट करके जितने भी एंड्रॉयड ऐप है अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे प्रोवाइड करने वाला है। हाँ दोस्तों, जो अब तक के एंड्रॉयड ऐप्स आपको मतलब गूगल प्ले स्टोर से मिलता था, अब अमेज़ॉन ऐप स्टोर जो है और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो मिलके आपको जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स हैं वो आपको माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में आपको देने वाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी एंड्रॉयड यूज़र हैं वो खुश हो जाइए, क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो कहने का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 11 को इतना फ्लेक्सिबल बनाया है, इतना फ्लेक्सिबल बना दिया है कि आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करिए, गेम इस्तेमाल करिए, मूवी इस्तेमाल करिए, पिक्चर देखिए, गाना सुनिए, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर से काम करिए, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर पे काम करिए, इंटरनेट ब्राउज करिए, क्या चाहिए आपको भैया। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यही कह रहा है आपको लिटरली कि भैया तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो धमाल कर दिया है जो कि शायद माइक्रोसॉफ्ट जिसके लिए जाना जाता है, बेसिकली शुरू डे वन से माइक्रोसॉफ्ट इसी चीज के लिए जाना जाता है। एंड हर कोई वेट कर रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट कब ये सारी चीज़ें लेके आएगा।
वही अगेन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए ही बनाया है कि आप फोकस रहें, क्रिएटिव रहें एंड प्रोडक्टिव रहें, ना कि डिस्ट्रैक्टिव रहें। आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे आपने छोड़ा है, कहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 11 में काम करने के बाद। आने वाले समय में बिजनेस हंट में मैं आपको इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बताने वाला हूँ। छोटे छोटे ऐप्स हैं जिसकी अपनी एक स्टोरी है, जिसके डेवलपर की अपनी एक स्टोरी है, वो सारे स्टोरीज भी आपके सामने लेके आऊंगा। छोटे छोटे बिजनेस हैं उसकी स्टोरीज है, वो आपके सामने लेके आऊंगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जितने लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सिर्फ 500 सब्सक्राइबर आप दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। तो दोस्तों, ये था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 11 की कहानी। आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे लोगों को इसको शेयर करिए। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की ये कहानी को आपको जरूर शेयर करिए, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 11 किस तरीके से है और कैसे वो बढ़िया है या अच्छा है या बुरा है, आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच।